आज हम बना रहे हैं आइसक्रीम, वो भी ब्रेड से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी आइसक्रीम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम आज आइसक्रीम बनाना, वो भी ब्रेड से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे स्वाति अपी किचन में आपका स्वागत है। तो आज हमारे किचन में बन रही है आइसक्रीम, बहुत ही टेस्टी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम आइसक्रीम बनाना। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध लिया है। मैंने दूध ये गोल्ड वाला दूध लिया है। अगर आपके पास घर में भैंस का दूध हो तो आप उससे बना सकते हो। तो मेरे घर में गाय का दूध आता है, इसलिए मैं ये गोल्ड वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमें इसे को अच्छे से पकाना है, दूध को गाढ़ा होने तक हमें इसको बॉयल कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो रहा है, इसको हम अच्छे से पका लेंगे दूध को गाढ़ा होने तक। देखिए दोस्तों, हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, हमें अभी थोड़ी देर उसको और पकाना है, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तब तक हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रेड वाली आइसक्रीम बना रहे हैं, तो हम जब तक ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार ब्रेड लिए थे, उसके साइड के कॉर्नर मैंने कट कर लिया है। और हम इसको मिक्सी जार में अच्छे से इसका पेस्ट बना लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्सी जार में पीस लिया है, इसी तरीके से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। तो चलते हैं, हम दूध को देख लेते हैं हमारा दूध तैयार हुआ है नहीं। देखिए दोस्तों, हमारा दूध गाढ़ा होने लगे अच्छे से। ये देखिए तैयार हो गया हमारा दूध अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा दूध अलग कटोरी में निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध निकाल रही हूँ बाहर। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध इसमें बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसमें ये एक चम्मच घर की जो हमारी मलाई होती है दूध की, वो मलाई डाल देती हूँ मैं इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से पकने देंगे। और देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये दूध निकाल लिया था, ये मैं कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। तो हमें ये दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेना है। ये मैं दो चम्मच इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है दूध में। दोस्तों, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध के अंदर। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध के अंदर डाल देती हूँ। इसमें हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है। और इसको अच्छे से पहले मिक्स करते जाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे दूध को। मैंने यहाँ पे सारे कस्टर्ड पाउडर इसमें मिक्स कर दिया है, अच्छे से पूरा मिला लिया है। और यहाँ पे मैं आधा कटोरी चीनी ले रही हूँ, मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है चीनी को। चीनी को हम अच्छे से मिक्स होने तक और इसको पका लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छे से तैयार हो गई है, ये देखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये इलायची पाउडर डाल देती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जो ब्रेड ले रही हूँ, ब्रेड को मैंने मिक्सी जार में अच्छे से पेस्ट बना लिया था, वो ब्रेड डाल देते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ब्रेड मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पूरा ब्रेड अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है।
ये देखिए अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारी आइसक्रीम अच्छे से ठंडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी आइसक्रीम बहुत ही। अब मैंने यहाँ पे ये कटोरियाँ ली है तीन छोटी, तो हम इसके अंदर डाल देते हैं हमारी पूरी आइसक्रीम, इनके अंदर भर देती हूँ मैं। तीनों कटोरियों में अच्छे से आइसक्रीम भर के हमें फ्रिज में रख देना। मैंने तीनों कटोरियों में आइसक्रीम डाल दी है, थोड़ा सा आइसक्रीम मेरा बच गया था तो मैंने इसमें एक कटोरी में और डाल दिया है। अब हम इसको फ्रीजर में रख देना है 4 घंटे के लिए, ये फिर अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए दोस्तों हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है अच्छे से। देखिए हमने 5 से 6 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था फ्रीजर में, तो ये हमारी आइसक्रीम सेट हो चुकी है, ये तैयार है, परफेक्ट है खाने के लिए। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर पे आप ही बना के ज़रूर खाइएगा।